हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और एकदम डिफरेंट तरीके की सब्जी बनाना बताऊंगी। ये हम बनाएंगे खड़े मूंग की दाल से। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी सब्जी की रेसिपी कैसी। दाल पीठी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कटोरी मूंग की दाल ली हुई है। इसे मैंने 3-4 घंटे पहले भिगा दिया था। देखिए, ये अच्छे से फूल गई है, थोड़ी सी अंकुरित भी हो गई है। इसमें डालने के लिए मैंने कुछ लहसुन की कलियां ली हुई हैं, 4 हरी मिर्च है और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का। तो इन सबको हम मिक्सी की जार में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा ना तो थिक होना चाहिए ना एकदम ही पतला भी नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको पीस ले जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा पीसूंगी, उसके बाद मैं इसमें फिर थोड़ा पानी डालूंगी और फिर इसको पीस के इसका स्मूथ बैटर तैयार करूंगी। हमने इस तरीके का इसका बैटर तैयार किया है। अब मैं इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें हरी मिर्च पीसी हुई है। इसलिए मैं आधा छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च डाल दूँ और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें हल्दी का डाल दूँ। हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमारे दाल पीठी का बैटर बनके तैयार है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर। इसमें पानी है, आधा कढ़ाई के करीब पानी लेना है और एक स्टैंड रख दिया है। अब पीठी के लिए मैंने देखिए इस तरीके की छोटी थाली ली है। आप ऐसी छोटी थाली या फिर ऐसे कुकर के डब्बे जो आते हैं ये भी ले सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथ से ऐसे ग्रीस कर लिया। अब हम इस थाली में जिसमें हमने ऑयल लगा के ग्रीस किया हुआ है, इसमें मैं ऐसे थोड़ा सा बैटर डालूंगी। आपकी थाली कितनी बड़ी है उसमें कितना बैटर आता है उसी हिसाब से आप उसमें बैटर डालिएगा। बहुत ऊपर तक नहीं भरना है। ये देखिए, मैंने 4-5 चम्मच में मेरे इतना आ गया है। जैसे हम ढोकला स्टीम करते हैं उसी तरीके से मैंने इसको इसमें डाल लिया है थाली में। अब हम इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो रखने के पहले हम थोड़ा सा इसको ऐसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें इसको स्टीम करने के लिए रख दूंगी और इसको ढक दूंगी। 20-25 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना है। 20 मिनट बाद आप एक बार खोल के इसको चेक कर लीजिएगा। आप उसमें ऐसे टूथपिक डाल के देखिएगा, यदि वो क्लीन बाहर आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो पीठी है वो बन के तैयार। फ्रेंड, देखिए 25 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसको खोल के एक बार चेक कर लेती हूँ कि हमारा बन गया है, अच्छे से सेट हो गया है कि नहीं बन गया है। देखिए, ऐसे छूने में हाथ में हल्का सा आ रहा है अभी। तो मैं इसे 5 मिनट और स्टीम करूंगी, इसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। ये ठंडा हो जाएगा तो ये अपने से कड़ा हो जाएगा। तो मैं इसे अब 5 मिनट के लिए और स्टीम करती हूँ। फ्रेंड, देखिए 5 मिनट और हो गया है। तो मैं इसे एक बार और अच्छे से चेक कर लेती हूँ। देखिए, हमारी पीठी अच्छे से जम गई है। अब देखिए हाथ में आ भी नहीं रही है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे बाहर रखकर पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसका बर्फी जैसा पीस पीस कटिंग करेंगे, फिर उसको हम फ्राई करेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। जैसे हम बर्फी का काटते हैं, तो सबसे पहले मैं इसके चारों किनारे पे ऐसे चाकू से निकाल लेती हूँ ताकि ये कढ़ाई अच्छे से छोड़ दे। अब हम इसका ऐसे पीस पीस काटेंगे। बहुत छोटे पीस नहीं करना है, ना ही बहुत बड़े। इसको हम डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रंची बनेगा। आप चाहे तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई में ये ज्यादा टेस्टी लगता है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसका बर्फी जैसा इसकी कटिंग कर ली है। हम साइड से एक एक निकालेंगे। देखिए, हम इस तरीके से इसका बहुत ही आराम से इसका पीस पीस निकालेंगे। वैसे ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, गर्म में आप निकालेंगे तो ये टूट सकता है। इसी तरीके से मैं इसकी पूरे पीस निकाल लूंगी। कितने अच्छे से ये निकल रहा है। किनारे के पीस थोड़ा छोटे ही रहते हैं, बीच के अच्छे बड़े बड़े पीस निकलेंगे। इसी तरीके से हम इसके पूरे पीस निकालेंगे। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। देखिए, हमने सारी पीठ अच्छे से काट ली। देखिए, मैंने सारी दाल पीठ काट के रख लिया है। अब मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गरम हो गया है तो हम एक एक करके अपनी पीठी को इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और फिर हम इसको ग्रेवी में डालेंगे। देखिए, मैंने पूरी पीठी इसमें डाल दी है
अब हम इसको दोनों तरफ से पलट पलट के सुनहरा होने तक अच्छे से तलेंगे। तलने से ये क्या होता है कि क्रंची हो जाती है, और जब इसको हम ग्रेवी में डालते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होती है, ऐसे क्रंची ही रहती है और टेस्ट में भी अच्छी लगती है। देखिए हमारी पीठी अच्छे से लाल हो गई है, अब मैं इसे पलट के दूसरे साइड से भी ऐसे ही लाल होने तक तल लूंगी। देखिए हमारी पीठी एकदम अच्छे से दोनों तरफ से सीख गई है, तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। देखिए हमारी पीठी तल के तैयार है, तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज के प्याज लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन लिया है, एक टुकड़ा अदरक है, दो लाल खड़ी मिर्च है, थोड़ा सा पीली राई मैंने लिया हुआ है, और एक चम्मच और आधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है। तो इन सबको मिक्सी में डाल के हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। टमाटर हम नहीं पीसेंगे क्योंकि टमाटर हम बाद में ऐड करेंगे। इसका इस तरीके का एकदम स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। राई को थोड़ा सा टाइम लगता है, पर वो स्मूथ ही पीसेगी तभी मसाले में अच्छी लगेगी, नहीं तो वो खड़ा खड़ा फिर मुंह में आता है। मैंने पैन गर्म होने को रख दिया है, ये वही तेल है जिसमें हमने पीठी को तला था, तो मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है। बस एक चम्मच मैंने इसमें, बड़ा चम्मच मैंने इसमें तेल का छोड़ दिया है। अब मैं इसमें चार दाने फ्राई के डालूंगी, और इसके बाद मैं इसमें अपना मसाला ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्च तेल में डालने से उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने मसाले में भी मिर्च पीसी हुई है। तो अब मैं इसमें अपना मसाला ऐड करती हूँ जो हमने पीसा। देखिए मैंने पूरा मसाला डाल दिया है, अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच मसाले वाला हल्दी डालूंगी, एक छोटा चम्मच मैं इसमें सब्जी मसाला डाल रही हूँ, और आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। बस इसके बाद हम इसको ढक के पकने देंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम धीमे ही रखनी है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। ये मसाला बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फ्रेंड थोड़ी थोड़ी देर में हमें अपने मसाले को खोल के चलाते रहना, नहीं तो वो नीचे से फिर पकड़ने लग जाता है। ये देखिए, यदि आपको तेल कम लग रहा होगा और आप ज्यादा तेल खाते हैं तो आप उसमें एक चम्मच तेल और ऐड कर सकते हैं, पर आपने देखा होगा मेरी डिश में तेल और मसाले कम ही रहते हैं, क्योंकि ये हम, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं बनाती हूँ, ये हम खाने में भी यूज करते हैं हम, इसलिए मैं तेल और मसाला थोड़ा कम ही यूज करती हूँ। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी, नमक डालने से ये थोड़ा पानी छोड़ेगा, फिर और अच्छे से फ्राई होएगा। और अब इसी समय हम इसमें अपना टमाटर भी जो हमने बारीक बारीक चॉप किया हुआ था वो इसमें डाल देंगे, और दोनों को फिर और एक साथ ढक के भूनेंगे। टमाटर और नमक दोनों ही पानी छोड़ेंगे, इसमें हमारा मसाला और अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो मैं इसको ढक के थोड़ी देर और भूनने के लिए रख देती हूँ। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, पूरा कढ़ाई छोड़ दिया, यानी कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। इससे ज्यादा अब हमें इसे नहीं भुनना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, मैं इसमें दो कटोरी के करीब पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम इसमें अपनी पीठी डालेंगे तो ये और गाढ़ा होएगा, पानी सूखेगा, इसलिए इसमें दो से ढाई कटोरी के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बस जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसके बाद में हम अपनी पीठी जो हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। तब तक मैं इसको ढक के उबलने के लिए रख देती हूँ। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से उबलने लग गई है, तो अब मैं एक एक करके इसमें मिर्ची डालूंगी जो हमने फ्राई की थी, और इसके बाद हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए और उबालेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से उबल गई है और गाढ़ी भी हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ। इस समय इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी होगी। अब इस समय मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, उससे ये गार्निश हो जाएगी और अच्छी भी लगती है सब्जी। तो बस हमारी देखिए दाल पीठी की सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी है और रेगुलर सब्जी से थोड़ा डिफरेंट भी है, तो आप इसे जरूर बनाइएगा।